Hello students, welcome to my class. Today we are going to study the invitation, formal invitation and reply to the invitation. So first of all, हमें पता होना चाहिए invitation है क्या, what is an invitation and why it is used. So invitation is a document which is used to convey some message or to invite some people on some occasion. Invitation कितने तरह के होते हैं? Two kinds. One is formal, second is informal. Formal invitation is when we are giving something in card, or जैसे आपने देखा है कि formality के साथ जब हम card print कराते हैं और उसको देते हैं तो उसका एक set क्या होता है, format होता है. तो जब हम उसको लिखते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि marriage का card आपने देखा है तो it is just like marriage का जो भी card होता है तो उसमें जो format बना होता है तो वही हम use करते हैं. फॉर द मैरिज और एनुअल फंक्शन हो गया, कोई आपका स्पोर्ट्स डे हो गया, कोई भी एक सेलिब्रेशन है तो हम उसमें एक फॉर्मल इन्विटेशन देते हैं और एक इनफॉर्मल देते हैं. ठीक है, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे मैरिज का तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज वी एट मिसेज फर्स्ट, मिसेज एंड मिस्टर, नेवर इट इज मिस्टर एंड मिसेज, इट इज ऑलवेज मिसेज एंड मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर वर्मा सो एंड सो. ओके ना, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है. अब हम स्टार्टिंग की लाइन होती है तो यू कैन स्टार्ट विद कॉर्डियली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, इज अ सिंपल लाइन. ओके, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस. ये थोड़ा सा सॉलिसिट मीन्स रिक्वेस्ट होता है तो एक अच्छी लैंग्वेज है, यू कैन राइट इट ऑल्सो, लर्न ऑल्सो. एंड देन रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस. ओके, इसके आगे क्या आएगा, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर. डॉटर है तो डॉटर, सन है तो सन, समझ में है. और ये सिंपल है, अगर किसी बच्चे को ये सॉलिसिट और ये नहीं याद रहता तो आप सिंपल लिख सकते हो मिसेज एंड मिस्टर सो एंड सो रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन और डॉटर, वट एवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन. सो आप उसको ध्यान से पढ़ के और इस लाइन को लिख कर आप अपने इनविटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, होप आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा. जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर राइटिंग डेट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन वेन्यू, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू विल राइट RSVP एंड टूवर्ड्स योर राइट साइड आप लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. सो जब आप लिखेंगे RSVP तो उसके नीचे आप जो है जो इनवाइट कर रहा है उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर जाएगा. और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड अंडर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यू विल राइट ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सो दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्मल इनविटेशन. आप घर जाके अपने घर में कोई भी शादी का कार्ड होगा उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Okay, so this is a formal invitation for marriage party. अब सीखते हैं कैसे हम annual invitation लिखते हैं, annual function और कोई भी celebration अगर आप करते हैं अपने school में या अपने college में तो कैसे हम invite करते हैं, and how to start it, what are the things, हम थोड़ा सा change क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. Box with the same format हम follow करेंगे. और ऊपर जैसे हमने ये इनविटेशन हम दे रहे हैं एनुअल स्कूल एनुअल फंक्शन का, लाइक स्पोर्ट्स फंक्शन हमारे स्कूल में हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, और अगर उसमें हमें एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो टॉप में हम लोग लिखेंगे इसी तरह के फॉर्मेट में द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ SKV दयानंद रोड, या जो भी स्कूल का नाम आपको दिया गया है आप वो स्कूल का नाम यहाँ पर ऐड करेंगे. कॉर्डियली इनवाइट्स यू होल डे सेलिब्रेशन. सो ये जो टॉपिक है यहाँ पर हमने एनुअल डे लिखा है, अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स डे है तो वी कैन राइट स्पोर्ट्स डे, बट इट शुड बी क्लियर. एंड देन व्हाट एंड व्हेन, कब हो रहा है, ऑन ट्यूसडे डेट 15 फरवरी 2023. तो ये ईयर और ये आपको ये देखना है कि किस तरह से आपने फॉर्मली लिखना है और कहाँ हो रहा है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम. ओके, इसी फॉर्मेट में आपको देना है. And then Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal will be the chief guest. Like कोई भी आप उसमें से एक ऐसा point दे सकते हैं कि जिससे सबको एक attraction लगे. And then you can write RSVP, all staff, students and principal and whatever. कुछ भी आप लिख सकते हैं.
So this is a kind of formal invitation where it is written in third language. It is not subjective, or it is always written in present tense. Always in present tense. तो अब उम्मीद है ऐसे ही, अब जब मैंने मैनेज का बताया था तो मैनेज के लिए भी आपको एक सर्टेन लैंग्वेज है, उसको आप याद करेंगे और उसको इस तरह से लिख के आप कर सकते हैं। तो ये आपका 3 marks का आता है। और फॉर्मल इन्विटेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप अपने अच्छे से तैयारी करें और इसको प्रैक्टिस करें राइटिंग करके। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिमूव योर डाउट। Okay, bye bye. Thank you. See you in next video.